नमस्कार, स्पोर्ट्स के बाद में आप सभी का स्वागत है। पीकेएल 11 मैच नंबर 16 की अपडेट लेकर एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ। ये मैच बेंगलुरु बुल्स और पुणे रिपल्टन के बीच खेला गया। पुणे रिपल्टन अपना पिछला मुकाबला तमिल तलेवा से हार कर मैदान पर उतरी थी और उस हार का बदला लेने उन्होंने बेंगलुरु बुल्स को चुना। जी हाँ, पुणे रिपल्टन ने बेंगलुरु बुल्स को इस मैच में बुरी तरीके से हराया है। पुणे रिपल्टन ने इस मैच को 36-22 से अपने नाम किया। उनके मोहित कोहित ने 6 रेड पॉइंट लिए तो पंकज मोहित ने 6 रेड पॉइंट लिए। तो उनके डिफेंडर गौरव खत्री ने शानदार डिफेंडिंग की और इस मैच में 4 टैकल पॉइंट लिए। तो उनका साथ दिया अमन ने भी 4 टैकल पॉइंट लिए। तो वहीं कप्तान असलम ईमानदार ने 5 रेड पॉइंट लिए। बेंगलुरु बुल्स की ओर से नए रेडर पंकज ने 6 पॉइंट लिए तो अजिंक्य ने 3 पॉइंट। वहीं डिफेंडर सौरभ नांदल ने 3 पॉइंट तो नितिन रावल ने भी 3 टैकल पॉइंट लिए। लेकिन इस मैच की खास बात यह रही कि बेंगलुरु बुल्स के कोच ने शुरू के पहले हाफ में ही प्रदीप नरवाल को बाहर बिठा दिया। जी हाँ, प्रदीप नरवाल बेंगलुरु बुल्स के कैप्टन हैं, लेकिन उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया मैच के शुरू में ही। जब प्रदीप की 2 से 3 रेड फेल हुई तो कोच ने उनको बाहर